इस बीच अमरावती हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इरफान को 7 जुलाई तक अब पुलिस की रिमांड में भेजा गया। उमेश हत्याकांड का मास्टरमाइंड है इरफान, तो बड़ी खबर आपको बता दें, इरफान जो मास्टरमाइंड है उसको 7 जुलाई तक अब पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अमरावती हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दे दें, इरफान जो मुख्य साजिश जिसने रची, जो मास्टरमाइंड था इस पूरे हत्याकांड का, उसको अब 7 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। तो अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के अमरावती में जिस तरह से मर्डर हुआ उसको लेकर अब इरफान को 7 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। तो अमरावती हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त, इरफान को 7 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है, यह बड़ी खबर है। यह मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसको लेकर जाया जा रहा है। ये जो मास्टरमाइंड, इसको 7 जुलाई तक अब पुलिस रिमांड में रखा जाएगा। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, राजेश क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट? देखिए 7 जुलाई तक इरफान शेख जो इस पूरे अमरावती में उमेश कोले हत्याकांड का मुख्य साक्षी है पंकज, उसे 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। बड़े ही गुपचुप तरीके से पुलिस ने उसे पेश किया और काफी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे, क्योंकि उदयपुर में जिस तरीके के हालात हमें देखे कि आरोपियों के साथ धक्का मुक्की मारपीट हुई, वही यही वजह थी कि पुलिस ने सतर्कता बरती और कोर्ट में पेश किया गया। और फिलहाल 7 जुलाई तक पुलिस अब उसे पूछताछ करके ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके एनजीओ के पीछे कोई दूसरा शख्स तो नहीं था, ये जो पूरी वारदात हुई उसके लिए उसे किसी ने तो नहीं कहा था, क्या कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, क्या कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है। जैसा कि हमने उदयपुर में देखा कि पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, तो कहीं इस मामले में भी तो ऐसा नहीं है, ये इरफान शेख से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी और इसकी पुलिस कस्टडी काफी अहम थी पंकज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका राजेश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।